मैंने पहले प्रथम दिन कहा था कि बंगाल की धरती इसलिए भी मुझे प्रिय है क्योंकि इस धरती ने वो दिया जो व्यक्ति सोच के करता है, प्रयास करके करता है। इस धरती ने वो सद्गुरु प्रदान किए जिनकी महिमा संपूर्ण जीवन भी कोई गाने का प्रयास करे, कहने का प्रयास करे तो कह नहीं सकता। और जब भी बंगाल की धरती पर कथा होती, हमारे जो गुरुदेव हैं कहीं जाते नहीं थे और उनको ब्रज छोड़ के कहीं मन भी नहीं लगता था। ब्रज नहीं, हमारा जो गांव है खांबी गांव, उसी को छोड़ के कहीं मन नहीं लगता था। दो दिन भी अगर कहीं चले जाएं तो फिर उनको बेचैनी होती कि अब मैं वापस जाऊं वहां। लेकिन जब बंगाल में कथा होती तो बड़े प्रसन्न होते कि बंगाल की धरती पर, महाप्रभु की धरती पर कथा होने जा रही। और आते भी थे, कोई विशेष कारण रहा हो तो अलग बात है, नहीं तो कहीं जाए ना जाए बंगाल की धरती पर जरूर आते थे और कथा श्रवण करते। और कथा भी जैसे हम सुनते हैं ना कि सुखदेव जैसे महात्मा एक स्थान पर ज़्यादा देर ठहरते नहीं, उनका एक स्थान पर कभी मन नहीं लगता। यहाँ तक कि कथा में भी 10-5 मिनट बैठे, उसके बाद फिर उठ करके कहीं अपना जाते और कुटिया कमरा जहाँ है वहीं पर रहते। तो उन्होंने सदा से एक ही वस्तु सिखाई, एक ही चीज़ दिमाग में घुट्टी घोल घोल करके घोल घोल के पिला दी कि एकमात्र हरि नाम प्रचार करो, कुछ नहीं उसके अलावा। कोई तुम्हें लाख प्रलोभन देगा कि नहीं कथा में ऐसा किया करो, कथा में ये बोला करो उससे भीड़ बढ़ेगी, कथा में ऐसे थोड़े व्यवहार किया करो उससे लोग आकर्षित होंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, कोई कुछ नहीं, केवल शुद्ध भक्ति बताओ। जिसे समझना है समझे, जिसे नहीं समझना है नहीं समझे। जिसको भगवान नाम लेना होगा, भगवान जिस पर कृपा करेंगे वो कर ही देगा, लेकिन कभी आडंबरों में मत पड़ना, कभी इधर उधर के यंत्र तंत्र में मत पड़ना, शुद्ध भक्ति बस। और वो जानते भी नहीं उसके अलावा, शुद्ध भक्ति के अलावा कोई, हमारे गुरुदेव महाराज श्री से कहता, महाराज जी कोई उपदेश दो। ऐसा कईयों बार हुआ, हमारे गौ सेवा धाम अस्पताल में संत सम्मेलन कई बार होते आए हैं, संतों महापुरुषों को बुलाते, तो जब संत आते तो उनके सीट पर, उनके सोफों पर उनके नाम लिख दिए जाते, नाम लिख के उस पर पर्ची लगा दी जाती है फलाने फलाने संत, ताकि वो व्यवस्था में गड़बड़ ना हो, संतों का पूर्ण सम्मान। तो महाराज जी का जो सोफा होता उस पर भी वो पर्ची नाम लिख के लगा दी जाती, पूज्य गुरुदेव। पर जब वो सम्मेलन शुरू होता, जब देखा जाता गुरु जी कहाँ है, गुरु जी तो कहीं स्टेज पे दिख ही नहीं रहे, तो पता चलता पीछे कहीं सबसे पीछे नीचे जमीन पे जाके बैठे। फिर उनको पकड़ के लाया जाता, महाराज जी आप यहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए, उनको ये सब मंच वंच पसंद नहीं। फिर अब सब बोलते माइक पे थोड़ा थोड़ा कि आप भाव रखिए, तो महाराज जी से भी कहते महाराज जी आप भी कुछ। तो कई वीडियो भी हैं उनके, आप कभी ऐसा मौका मिल जाए देखोगे। तो वो कुछ नहीं, दोनों हाथ उठा के बस 3 बार श्री राधा, जय जय श्री राधे, बस 3 बार बुलवाते फिर माइक रख देते। उनसे कोई पूछता भी कि महाराज जी कुछ उपदेश, तो कहते मैंने तो सारे उपदेश का सार बता दिया, सारे उपदेश का सार ही है श्री राधा, सब उपदेशों का सार है राधा, तुम ये नाम पकड़ लो सारे उपदेश हो गए।
जैसे महाप्रभु के जीवन में भी हुआ, महाप्रभु से लोग आके बोले महाप्रभु उपदेश दो, महाप्रभु ने कहा कृष्ण, चुप हो गए। फिर लोग बोले महाप्रभु इतनी दूर से आए कुछ तो बोलो, उन्होंने कहा कृष्ण, फिर चुप हो गए। फिर एक बोला महाप्रभु थोड़ा तो बोलिए ना, कुछ तो उपदेश दीजिए, महाप्रभु ने कहा कृष्ण, और उठ के चले गए। बाद में परिकरों ने पूछा महाप्रभु आपने ऐसा क्यों किया, तो महाप्रभु ने कहा जिसने कृष्ण जान लिया उसने सारे शास्त्र जान लिए, और जिसने कृष्ण नहीं जाना उसने शास्त्र पढ़ के भी कुछ नहीं जाना। आप अभी तो 4 दिन हुए आपको कथा सुनते सुनते, आप 7वें दिन भी अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली, क्या करना चाहिए, तो क्या कहोगे? कोई, मैंने कल भी मैंने आपसे कोई कहा कि जंगल में जाके गुफा में भजन करो, बस एकमात्र कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, बस यही इसका सार है। राम कथा सुनोगे तो उसका सार एक ही निकलेगा कि राम कहो श्री राम कहो। तो ये नाम निष्ठा हृदय में, ये जो बीज है गुरु के अलावा कोई नहीं डाल सकता, सारी जो बात है गुरु पे निर्भर है। गुरु अगर चाहे तो शिष्य को इतना पक्का बना देगा कि खुद कोई देवी देवता भी उसको हिलाने आए नाम की निष्ठा से तो हिला नहीं सकता। कितने प्रलोभन दिए जाएंगे आपको, कितने लाभ बताए जाएंगे, लेकिन उस प्रलोभनों से ये मन आकर्षित नहीं होगा। हमारे ब्रज में कहते हैं कि साक्षात चिंतामणि कल्प वृक्ष स्वर्ग का वैभव भी तुमको मिलेगा तो ब्रजवासी उसको ठोकर मार देगा, स्वर्ग का सुख ठोकर मार देगा कि मुझे नहीं चाहिए। तो भैया फिर तुझे चाहिए क्या? तो ब्रजवासी कहता मुझे एक ही चीज चाहिए, ब्रज में पड़ा पड़ा, ब्रज की लताओं से लिपट लिपट के, ब्रज की माटी को माथे पे लगा लगा के बस दिन रात में कृष्ण को पुकारता रहूं, दिन रात में अपनी राधा रानी को पुकारता रहूं, इसके अलावा स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। यही ब्रज की भक्ति है। ब्रज की भक्ति में एक ही चीज है, बस रोते रोते ठाकुर जी को पुकारते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो कान उनके इस ओर आएंगे कि ये कौन बावरा पड़ा पड़ा चीखता रहता चिल्लाता रहता, चाहिए क्या तुझे बोल? ठाकुर जी कहेंगे बोल तुझे क्या चाहिए, तो भक्त हाथ जोड़ के कहेगा आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे तो ले, अगर तू इतने दिन से रो रहा है मेरे लिए तो आज से मैं हो गया तेरा। ये ही है ब्रज की भक्ति, और हम कुछ ज्यादा जानते नहीं ब्रजवासी। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम। गोपी से पूछा तुझे कौन सी भक्ति आती है, कौन से वेद का जो मंत्रोच्चारण तुझे आता है? गोपी कहती है हमें एक ही मंत्र आता है, एक ही हमारा मंत्र है, एक ही हमारा शास्त्र है, और वो है कृष्ण। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। इसलिए बिंदु महाराज कहते ब्रज की भक्ति क्या है, बोले ब्रज की भक्ति यही है